अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने बचपन में सुना था कि कहीं कोई बहुत ही पहुँचे हुए बाबा जी हैं जो कि एक देग में कुछ पत्थरों को डालते हैं और उस देग को आग के ऊपर चढ़ा देते हैं और उसके बाद वो अपना चिल्ला काटना शुरू कर देते हैं। जो भी अपने मंत्र वंत्र उन्होंने पढ़ने होते हैं वो अपना चिल्ला काटना शुरू कर देते हैं और उनका चिल्ला ख़त्म होते ही वो जो पत्थर देग में रखे थे और आग के ऊपर चढ़ाए थे और उनके ऊपर अमल किया गया था कोई, वो सारे के सारे पत्थर सोना बन जाते हैं। और लिहाजा वो बाबा जी बहुत ही पहुँचे बाबा जी हैं, उनके पास बड़ी करामात हैं, वो तो पत्थर को भी सोना बना देते हैं, वो पैसे बना देते हैं। इस तरह की बहुत सारी जहालत भरी बातें बचपन से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ। ज़िंदगी में अक्सर मौक़ों पर बाद में भी मैं इन चीज़ों के बारे में सुनता रहा, जहालत की मुख्तलिफ किस्में मेरे सामने आती रहीं और ये सुनकर मुझे बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हमें कुरान जैसी अजीम किताब अता की है जो कि मुकम्मल ज़ाबता हयात है। मैं आपको कुरान की एक आयत का तर्जमा बताना चाहता हूँ, उसका मुझे उर्दू तर्जमा याद है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि और हमने ज़मीन के सीने में तमाम नेमतों और ख़जानों को छुपा दिया है। अब ये इंसान का काम है कि वो खुदा की दी हुई अकल से उन नेमतों और ख़जानों को तलाश करे और फ़ायदा हासिल करे। एक दूसरी आयत में है कि कायनात पे बार बार गौर करो, कायनात पे बार बार गौर करो। तो कुरान में अल्लाह ताला हमें मुसलमानों को हुक्म देता है इल्म हासिल करने की, तहकीक करने की, रिसर्च करने की और इस ज़मीन के नीचे छुपे हुए ख़जानों को तलाश करने की, दुनिया के राजों को जानने की। लेकिन अफसोस होता है इस बात का कि इस चीज़ को हमने नहीं अपनाया, लेकिन गैर मुसलमों ने ना सिर्फ ये कि मुसलमानों से ज़्यादा कुरान पर रिसर्च की, ज़्यादा तहकीक की, बल्कि उन्होंने कुरान की बताई हुई बातों पर अमल किया और तरक्की की मनाजिल तय करते गए। और आज जो दुनिया का डिज़ाइन हमें नज़र आ रहा है, दुनिया की शक्ल सूरत हमें नज़र आ रही है, इसको मुसलमानों ने बेसिकली डिज़ाइन नहीं किया। बुनियाद इसकी मुसलमानों ने ज़रूर रखी थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाया गैर मुसलमों ने, इसको परवान चढ़ाया गैर मुसलमों ने। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि जो हमारी मिरास थी, जो अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम किताब दी थी, उसमें जो कुछ बताया था हमने उस पर अमल नहीं किया। मैंने जब इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया तो जब मैंने सबसे पहले इस चीज़ को रिसर्च किया, मैंने इंटरनेट पर डाला कि इस्लाम एंड साइंस, तो उसमें जितनी भी रिसर्च थी, जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज थी, जितनी भी वीडियोस थी, वो ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका की थी। मुसलमानों की चीज़ें बहुत ही कम थी, अगर थी भी तो हमारे उलमाए इकराम की धुआंधार तकरीरें थीं जो मेंबर पर बैठकर और स्टेज पर खड़े होकर अमूमन वो करते हैं। तो मुझे मुसलमानों का सिर्फ यही मिला कि वो माइक पर खड़े हुए हैं और धुआंधार तकरीरें की जा रही हैं और ज़्यादातर सवाब और गुनाह, मौजू भी मोस्टली यही होता है, बाकी चीज़ें ऐसा खास मौजू होता भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी हैं, सवाब गुनाह हलाल हराम इन चीज़ों को देखना चाहिए, इनकी तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन ये जो दुनिया इस वक्त शेपअप हुई हुई है, इसे हमने शेपअप नहीं किया, इसको किया है शेपअप काफरों ने, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। दोस्तों, ये वो मौजू है जिसके ऊपर मैं 2 दिन तक बोल सकता हूँ और शायद फिर भी बात ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आपको मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें बताता हूँ जल्दी जल्दी। मिसाल के तौर पर वो बाबा जी पत्थरों को सोना बनाते थे, हम इस बात को मान लेते हैं कि वो सोना बनाते थे, बनते बनते नहीं थे वो, लेकिन हम उस इस बात को मान लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पत्थरों को वो सोना बनाते थे, इस चीज़ को आज के दौर में जो इल्म रखने वाले लोग हैं, साहिब इल्म लोग जिन्होंने तहकीक की, रिसर्च की और कई इजादात की, उन लोगों ने इस चीज़ को अपने इल्म के ज़रिए सच साबित करके दिखाया। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी घड़ी, घड़ी कितनी होती है जो बाजू पर हम बांधते हैं, घड़ी का वज़न कितना होता है? थोड़ा सा वज़न उसका होता है, लेकिन आप लग्जरी कैटेगरी की घड़ियों को देखें तो उनकी जो कीमतें होती हैं वो हज़ारों में नहीं, लाखों में होती हैं। 3 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की एक घड़ी सेल होती है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन, उसका वज़न कितना होता है? तो आपको मालूम है मोबाइल फ़ोन के जो रेट्स हैं आजकल, आपको पता है। इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की बेशुमार चीज़ें जो इल्म के ज़रिए तहकीक करके, रिसर्च करके बनाई गई हैं, वो सोने के भाव बिक रही हैं, बल्कि सोने से ज़्यादा कीमत पर बिक रही हैं, बल्कि वो हीरे से भी ज़्यादा, बल्कि जमर्द से भी ज़्यादा, जो कि सब्ज़ रंग का मालूम है आपको, पत्थर होता है एक सब्ज़ रंग का, आप जानते हैं, जो कि हीरे से भी ज़्यादा कीमती होता है। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो है, वो निकाला नहीं जाता, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह जमर्द पाया जाता है शुमाली इलाकों में, स्वात में, सब जगह पर। तो ये चीज़ें हीरों की कीमतों से भी ज़्यादा कीमत पर सेल हो रही हैं। दोस्तों, मैं आपको कितनी ही चीज़ों के नाम, आपको बहुत सारी चीज़ों के नाम बता सकता हूँ कि जो इल्म, तहकीक, कोशिश, और ज़्यादा कोशिश, और ज़्यादा तहकीक, और ज़्यादा कोशिश के नतीजे में निकली हैं, और वो देखने में बिल्कुल छोटी सी, मामूली सी हैं, उनमें थोड़ा सा लोहा, थोड़ी सी प्लास्टिक, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं,
लेकिन वो सोने के भाव सेल हो रही हैं मार्केट में, और वो हैं इल्म की वजह से। और मुसलमानों ने इल्म को छोड़ दिया, कुरान के रास्ते को छोड़ दिया, लेकिन गैर मुस्लिम ने इसके ऊपर तहकीक की, आगे बढ़े, तहकीक की और ज़्यादा तहकीक की, कोशिश की, और इस वक्त दुनिया में छोटी छोटी ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं, बल्कि छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों तक, जो कि सोने के भाव, हीरे के भाव सेल हो रही हैं। तो देग में पत्थर रख के उसके ऊपर मंत्र पढ़ने से सोना नहीं बनेगा, बल्कि वो इल्म के ज़रिए, तहकीक के ज़रिए चीज़ें सोना बनेंगी और सोने के भाव बिकेंगी। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है, बहुत दुख होता है उस वक्त जब मैं देखता हूँ कि 58 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन एक दो मुल्क को छोड़ के, मलेशिया है या किसी आता कभी टर्की है, या पाकिस्तान ने कुछ चीज़ों में सिर्फ आर्मी के शोबे में सिर्फ शायद किया होगा, बहुत अफसोस होता है कि ना किसी हकूमती लेवल पे किसी ने कोशिश की। और इसके अलावा जो बहुत ही अमीर अमीर मुसलमान हैं दुनिया पूरी में, पाकिस्तान मुसलमान हैं, ब्रुनाई के हो गए, खलीज के हो गए, पाकिस्तान के हो गए, पाकिस्तान में बहुत सारे शेख लोग हैं अरबों डॉलर, अब कैसे बनाए वो तो अलग बात है, अरबों डॉलर के मालिक हैं, लेकिन किसी ने भी इल्म, तहकीक और साइंस के शोबे में कोई ऐसा खास काम नहीं किया। पाकिस्तान में अगर मैं किसी को जानता हूँ तहकीक के बारे में, बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर कदीर हैं, डॉक्टर समर मुबारक मंद हैं, एक नाम है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, डॉक्टर अताउर रहमान, आप उनको कुछ लोग जानते होंगे। पाकिस्तान में हमें क्रिकेटरों के नाम का तो पता है कि क्रिकेट कौन अच्छी खेलता है, या सिंगर्स हो गए, इसके अलावा फिल्म स्टार हैं इंडिया के, बॉलीवुड के, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जानना चाहते हैं कि जो इल्म के शोबे में जिन लोगों ने ज़्यादा काम किया है उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इल्म दोस्ती बहुत कम है पाकिस्तान में, तहकीक ये माजी में जितनी ज़्यादा हुई हैं आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, ये सारी हुकूमतों ने नहीं की, ये आम लोगों ने की थी। एडिसन जिसने बल्ब बनाया था वो किसी हुकूमत का बंदा नहीं था, वो एक आम बंदा था, ये काम से बहरा था। इसी तरह राइट ब्रादरान, वो भी किसी हुकूमत के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि वो सिविलियंस थे, और अपने तौर पर उन्होंने जहाज़ बनाया, वो अलग बात है कि बड़ी लंबी कहानी है उसमें, कि जहाज़ बनाने की कोशिश बहुत लोगों ने की, एक मुसलमान था उसने आइडिया दिया वगैरह वगैरह। तो मेरा गिला है उन हुक्मरानों से जो मुसलमान मुल्कों में इस वक्त भी हैं, पहले भी रहे, और वो साबे हैसियत लोग जो अरबों डॉलर्स के मालिक हैं, जो अपनी अयाशियों पर इस तरह की चीज़ों में पैसे खर्च करते हैं, लेकिन किसी ने थोड़े से भी पैसे इस तरफ खर्च नहीं किए, कोई ऐसा अदारा नहीं बनाया जहाँ पर रिसर्च हो, तहकीक हो, इस तरह की चीज़ें बनाई जाएँ। और जो लोग इस तरह के ढोंगी और रॉन्ग नंबर्स की के ढोंग में आ जाते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इन लोगों को छोड़ें, ये पीर, ये जाली पीर इस तरह के काम नहीं कर सकते, ये चीज़ें इल्म से निकलती हैं। तो इल्म हासिल करें, सारे काम आगे चल के इसी रास्ते पर चल के होते हैं। आज हाइड पार्क से मैं ऐसे जाऊँगा नहीं, आज मैं सारे गिले करके जाऊँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।